हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईटी ज्ञान पे। मेरा नाम है विनय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लो रोड के रिटर्न चार्जेस के बारे में। सो अगर आप एक ग्लो रोड के सप्लायर हैं, आप अपने प्रोडक्ट को ग्लो रोड पर सेल करते हैं, तो जब आपका प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो ग्लो रोड उस पर आपसे कोरियर रिटर्न या फिर कस्टमर रिटर्न पर कितना चार्ज करता है, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर आप कोई रॉन्ग प्रोडक्ट भेज देते हो किसी कस्टमर को, तो क्या ग्लो रोड उस पर एक्स्ट्रा चार्ज करता है रिटर्न चार्ज के अलावा, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। हम इस चैनल पर ऐसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियोज़ को लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो। सो मैंने यहाँ पे ग्लो रोड के सप्लायर सपोर्ट को मेल किया था रिटर्न चार्जेस जानने के लिए। तो रिटर्न के जो चार्जेस है उसको जानने के लिए मैंने ग्लो रोड के सप्लायर सपोर्ट को मेल किया था, और यहाँ पे उनकी तरफ से जो रिप्लाई है वो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर रीचिंग आउट सप्लायर सपोर्ट। वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट रिटर्न चार्जेस रॉन्ग रिटर्न पेनल्टीज डिफरेंट एज रिटर्न चार्जेस विल बी चार्ज फॉर ईच रिटर्न एज पर द रिटर्न कैटेगरी, बट द रॉन्ग रिटर्न पेनल्टी विल गेट चार्ज एट द टाइम ऑफ कस्टमर रिटर्न आइटम ड्यू टू इनकरेक्ट प्रोडक्ट रिसीव। इन दिस सिनेरियो रॉन्ग प्रोडक्ट पेनल्टी 30% ऑफ द टीपी ऑफ 200 विच एवर इज ग्रेटर विल बी चार्ज अलॉन्ग विद द रिटर्न शिपिंग चार्ज। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे जो पेनल्टी भी आपको चार्ज की जाती है अगर आपने रॉन्ग प्रोडक्ट भेजा है, कस्टमर को रॉन्ग प्रोडक्ट भेजा है, तो उस केस में आपको पेनल्टी लगेगी 30% की, या फिर आपको लगेगी 200 रुपये की, मतलब आपके टोटल प्राइस का 30% जो सेलिंग प्राइस है, या फिर आपको 200 रुपये जो भी ज़्यादा होगा वो लगेगा, प्लस आपका जो रिटर्न चार्ज है जो कि कस्टमर रिटर्न पे लगता है वो आपको कैटेगरी वाइज लगेगा। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कैटेगरी वाइज आपको रिटर्न चार्जेस लगेंगे, और अगर आपने रॉन्ग प्रोडक्ट भेजा है तो उस केस में आपको 30% देना पड़ेगा टोटल प्राइस का, और या फिर आपको 200 रुपये देने पड़ सकते हैं, जो भी ज़्यादा होगा उनमें से एक चीज़ आपको देनी पड़ेगी, या तो 200 रुपये या 30% प्लस आपको रिटर्न चार्जेस के जो पैसे लगते हैं कैटेगरी वाइज वो भी आपको देने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एनी डिस्प्यूट ऑन द रिटर्न पार्सल नीड टू रेज ऑफ 3 डेज बिजनेस डेज अलॉन्ग द फुल बैक अनपैकिंग वीडियोस रिटर्न पार्सल। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपका रिटर्न है वो गलत चार्ज करा गया है, तो आप उसके लिए आप यहाँ पे रेज कर सकते हो एक अनपैकिंग वीडियो बना के। ऑल रिटर्न ऑर्डर आर एक्सपेक्टेड RTO अट्रैक्ट रिवर्स शिपिंग चार्जेस एज पर यहाँ पे देख सकते हो लिंक दे रखा है इन्होंने। प्लीज क्लिक ऑन द लिंक टू इन्फॉर्म सेम एज अवेलेबल ऑन सप्लायर डैशबोर्ड अंडर सप्लायर गाइडलाइंस। तो यहाँ पे जो RTO होता है, मतलब आपका जो कोरियर रिटर्न होता है, उस पर कोई चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। कोरियर रिटर्न को छोड़ के आपके जो चार्जेस हैं वो कस्टमर रिटर्न पे लगते हैं, प्लस आपको अगर रॉन्ग प्रोडक्ट आपने भेजा तो पेनल्टी लगती है। यहाँ पे इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप चार्जेस देख सकते हो किस तरीके से चार्जेस लगे हुए हैं। कैटेगरी यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पे रिटर्न चार्जेस लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हो, जैसे कि वुमन वेस्टर्न बियर्स इसमें 105 रुपये लग रहे हैं, फिर वुमन वॉचेस इसमें 126 रुपये लग रहे हैं। इस तरीके से कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी के अलग अलग रिटर्न चार्जेस हैं, और यहाँ पर हर कैटेगरी के अलग अलग रिटर्न चार्जेस लिखे हुए हैं। आप यहाँ पर यह पूरी लिस्ट देख सकते हो, और मैं आपको बताऊँगा कि आप इस लिस्ट को कैसे देख सकते हो अपने सप्लायर पैनल के अंदर भी। तो यहाँ पे आप इस लिस्ट को देख सकते हो, यहाँ पे ये पूरी लिस्ट है, बहुत ही लंबी लिस्ट है ये। आपके हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रिटर्न चार्जेस हैं, यहाँ पे सारे मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे, तो आप इनको देख सकते हो। और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लिस्ट है, जो कि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसको आप अपने सप्लायर पैनल से कैसे चेक कर सकते हो। तो सप्लायर पैनल से जो आप इसको चेक करोगे उसके लिए कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा आपको कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको सीधा सप्लायर पैनल, ग्लो रोड के सप्लायर पैनल के ऊपर आना है, नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नोटिस बोर्ड, इसके ऊपर क्लिक कर देना। नोटिस बोर्ड के ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हो आप इस आर्टिकल के नीचे ये दिख रहा है रिटर्न चार्जेस शिपिंग चार्जेस, और यहाँ पे ये क्लिकेबल लिंक नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी करना है, और इसको कॉपी करने के बाद अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाकर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप इसको यहाँ पे पेस्ट करोगे और एंटर क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे जो रिटर्न चार्जेस हैं वो कैटेगरी वाइज वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी आपके रिटर्न चार्जेस हैं कैटेगरी वाइज, आप उनको यहाँ पे इजीली देख सकते हो, और आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस रिटर्न इन प्राइस के हिसाब से रख सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे रिटर्न चार्जेस आपको देखने को मिल जाएंगे आपकी कैटेगरी वाइज, आप इनको इनके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस रख सकते हो। तो ये था एक रिटर्न से रिलेटेड वीडियो कि आपको ग्लो रोड पे कितने रिटर्न चार्जेस लगते हैं, और अगर आप रॉन्ग प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको वहाँ पे पेनल्टी भी लगती है।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए।